नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला। उस समय भारत दो देशों में बट गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ये जो आजादी मिला भारत को, ये आजादी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिला। उसी में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए कि भारत को कब आजादी मिलेगा, भारत का बंटवारा दो देशों में होगा और आगे चल के भारत का अभी तक जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था वो भारत के को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, ये इसी प्रोविजन में बताया गया। जब क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत को 30 जून 1948 को आजादी मिलेगा, लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुआ उसी समय मुस्लिम लीग द्वारा बहुत ही बृहत स्तर पर हिंसक आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो इस स्थिति को देखते हुए उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा फिर से यह घोषणा किया गया कि भारत को 30 जून 1948 के जगह 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिल जाएगी। ये घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को की गई और एक योजना बना के की गई। इस योजना को माउंटबेटन योजना भी बोला जाता है। इस योजना में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए और उसको एक अधिनियम के रूप में लागू किया गया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोला गया। इस अधिनियम में बहुत सारे प्रोविजन किए गए कि भारत को अभी तक जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इस अधिनियम में 12 से 13 मुख्य प्रोविजंस हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। अधिनियम में क्या प्रोविजन किए हम उसको देखते हैं। अधिनियम में सबसे पहला प्रोविजन ये किया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद कर दिया जाएगा और इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोविजन ये था कि भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनेंगे और दोनों को राष्ट्रमंडल में जुड़ने या राष्ट्रमंडल से जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, उसे जुड़ने और उससे अलग रहने की आजादी हो। तीसरे प्रोविजन में यह बताया गया कि वायसराय का पोस्ट जो 1858 से चला रहा था उसे समाप्त कर दिया जाएगा तथा इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो भारत के लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, उसके बाद सी राजगोपालाचारी दूसरे और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। चौथे प्रोविजन में यह बताया गया कि संविधान सभा को यह पावर है कि वो किसी भी संविधान को अपना सकता है या फिर संविधान का निर्माण खुद कर सकता है। उसे यह भी शक्ति दी गई कि अगर उसे लगता है तो ब्रिटिश का कोई भी कानून जो अभी तक चला रहा है उसे समाप्त कर दे, या फिर ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको भी अगर वो चाहे तो निरस्त कर सकता है। इतनी शक्ति संविधान सभा को प्रदान की गई। अगले प्रोविजन में ये बताया गया कि अगर जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक किसी राज्य के संचालन के लिए संविधान सभा किसी भी विधानसभा का निर्माण कर सकती है। अगला प्रोविजन ये किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके पूरा फंक्शन और पावर जो है वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया। अगले प्रोविजन में ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद देसी रियासत जो पहले फ्री थे या थोड़ा बहुत पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उनके ऊपर, उन्हें फ्री कर दिया गया और उन्हें चॉइस दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या अगर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्राइबल एरिया था उनसे भी जो रिलेटेड लॉ बनी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनसे भी उनको मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोविजन में यह बताया गया कि जब तक संविधान सभा का संविधान का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक शासन का जो संचालन है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के तहत संचालन किया जा सकता है। अगर संविधान सभा को लगता है कि उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो वो संशोधन भी संविधान सभा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन में यह बताया गया कि ब्रिटिश किंग का जो वीटो पावर था, मतलब वो किसी भी बिल पे जब तक सहमति दे नहीं दे वो बिल पास नहीं होता है, जो अभी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो वैसे ही वीटो पावर ब्रिटिश किंग के पास होता था पहले।
तो उस वीटो पावर को समाप्त कर दिया गया तथा उस वीटो पावर को गवर्नर जनरल को ट्रांसफर कर दिया गया। अब वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल के पास हो गई और गवर्नर जनरल से बाद में वो राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट प्रोविजन में ये बताया गया, भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। देश में भारत के गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख होंगे तो जो राज्य बनेगा उसमें प्रोविंशियल गवर्नर संवैधानिक प्रमुख होंगे, जो आज के समय में गवर्नर होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट प्रोविजन में ये बताया गया कि जो भारत का सम्राट शब्द, पहले जो किंग होते थे ब्रिटिश के, उनके उनके उपाधि दी जाती थी भारत का सम्राट करके, तो क्योंकि भारत अब आजाद हो गया तो वो जो शाही उपाधि है उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब भारत जो ब्रिटिश के किंग हैं उन्हें भारत का सम्राट नहीं कहा जा सकता, तो ये शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोविजन में ये व्यवस्था की गई कि जो सिविल सर्वेंट थे, जो पहले सिविल सर्वेंट नियुक्त थे, तो उन्हें नियुक्त करने की शक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को होती थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन दोनों का पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था। जो उन्हें सुविधाएं मिलती थी पहले से उसको कंटिन्यू रहने दिया गया, जो सुविधाएं सिविल सर्वेंट को मिलती थी तो उन्हें वो कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पावर था वो समाप्त कर दिया गया। तो इतना सारा प्रोविजन, प्रमुख प्रोविजन है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताए गए हैं। भारत को इसी एक्ट के तहत आजादी मिल गई और संविधान सभा द्वारा संविधान का कार्य पूरा किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उससे पहले अंतरिम गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई और उससे सरकार चला। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।